हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है। JSSC ITI के लिए जो इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी निकाली है, औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी, उसका जो है प्रोस्पेक्टस मतलब विज्ञापन का जो मैं पूरा डिटेल्स कर चुका हूँ अगले वीडियो में, इससे पहले वाले वीडियो में। तो आप इसके बाद जो है इस वीडियो में JSSC जो वैकेंसीज निकाली है 711 पोस्ट पर, उसका जो है डिटेल सिलेबस मैं बताने जा रहा हूँ। तो इसको अच्छे से देखिए, क्योंकि सिलेबस अगर आप पढ़ेंगे, अगर सिलेबस देखेंगे, तो ये सबसे अच्छी कड़ी होती है किसी भी एग्ज़ाम को पास करने के लिए। सबसे अच्छा चीज़ होता है सिलेबस। अगर आपको पता नहीं है तो आप कोई भी एग्ज़ाम को अच्छे से पास नहीं कर सकते हैं। और अगर सिलेबस आपको कंठस्थ है, अच्छे से जानते हैं, बारीकी से देखे हैं, तो आप किसी भी एग्ज़ाम को 50% तो ऐसे क्वालिफाई कर लेंगे। ठीक है, तो आप देखिए आगे, अब सिलेबस को बताने जा रहा हूँ मैं। तो सिलेबस को देखिए, 19 नंबर में जो आपका लिखा हुआ है, सबसे बड़ा पॉइंट जो न्यू स्टूडेंट हैं जो JSSC का एग्ज़ाम नहीं दिए हैं उसके लिए है। तो लिखित परीक्षा में 3 प्रश्न पत्र होंगे, 3 पेपर होंगे। ठीक है, सही उत्तर के लिए इसमें यही बताया गया है कि सही उत्तर के लिए 3 मार्क्स दिए जाएंगे और एक गलत उत्तर के लिए एक मार्क्स काट लिए जाएंगे, एक अंक की कटौती की जाएगी। तो इसलिए नेगेटिव तो है, तगड़ा है इसमें, तो नेगेटिव ज़्यादा करना नहीं है आपको। ठीक है, इसमें पेपर वन में देखिए आपको क्या क्या है। तो भाषा ज्ञान से दिया हुआ है और सामान्य ज्ञान से दिया हुआ है पेपर वन में। ठीक है, तो हिंदी भाषा से 25 प्रश्न, अंग्रेजी भाषा से 25 प्रश्न। तो 25 प्रश्न मतलब 3 गुना कर दीजिए इसका, 75 हो गया। ठीक है, झारखंड राज्य से संबंधित 30 प्रश्न है, सामान्य विज्ञान से 10 प्रश्न है, सामान्य गणित से 10 प्रश्न है, मानसिक क्षमता ज्ञान से 10 प्रश्न है, कंप्यूटर मतलब कोई भी सब्जेक्ट छोड़ा नहीं है। तो कुल प्रश्न कितना हो गया, 120। ठीक है, तो इसमें देखिए नोट में क्या लिखा है, ये आपको ध्यान देने वाली बात है। यह पत्र क्वालिफाइंग होगा एवं उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अर्हतांक 30% निर्धारित रहेगा। 30% 120 का मतलब 36 क्वेश्चन आपको करना है। 36 क्वेश्चन मतलब हो गया 108 मार्क्स, 108 नंबर आपको लाना है। सिर्फ 360 में 108 नंबर लाइए, पास हो जाइए, पेपर वन का लफड़ा ख़त्म। ठीक है, अब पेपर टू में जो है आपका क्या होगा, तो विषय जो है चिन्हित क्षेत्रीय जनजातीय भाषा। चिन्हित मतलब हो गया आप अपने अनुसार रख सकते हैं, तो क्षेत्रीय भाषा यहाँ पे झारखंड में है, उसमें से एक चुनिए। और उसमें आपका क्या होगा, 100 क्वेश्चन आएंगे 300 मार्क्स के, ये जो है मेरिट डिसाइड करेगा आपका। तो इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। आप क्या रखते हैं वो आप पे डिपेंड करता है, कोटा रखिए, नागपुरी रखिए, या जो भी है आपका क्षेत्रीय लैंग्वेज वो आप रख सकते हैं। पेपर थ्री जो है वो तकनीकी ज्ञान है। तकनीकी ज्ञान मतलब आपका जो ट्रेड्स हैं उससे आपको पूछा जाएगा। और उसका सिलेबस आपको कहाँ मिलेगा, तो ये देखिए इसका लिंक दिया हुआ है, DGT न्यू दिल्ली डायरेक्टरेट ऑफ जनरल, इसका जो वेबसाइट होता है वहाँ पे आपको इसका डिटेल सिलेबस आपको मिल जाएगा कि कौन सा ट्रेड में कौन सा कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितने मार्क्स का पढ़ना है। और मैं इतना ट्रेड्स का अलग अलग तो बता नहीं सकता, तो आप जाके खुद ही लिंक पे क्लिक करके और देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है पेपर थ्री के लिए कुछ दिए हुए हैं फाउंडेशन, इसमें अनारक्षित के लिए 40% आपका न्यूनतम अर्हतांक है। ये आपको देखना ही नहीं है, क्योंकि इसमें अधिकतम लाना पड़ेगा आपको, तभी आप मेरिट में आ सकिएगा, ऐसे नहीं आ सकिएगा। ठीक है, तो मेधा सूची देखिए, ये जरूरी है क्योंकि इसी से आपका सिलेक्शन होगा। मेधा सूची 1 से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक, ये तो ठीक है, खैर नंबर बराबर रहता है, तो जिसका एज ज़्यादा होता है उसको प्रेफरेंस दिया जाता है। ठीक है, हाँ, तो पेपर वन जो है आपका क्वालिफाइंग है, पेपर टू और थ्री को मिलाकर मेरिट बनाया जाएगा। जो काफ़ी बचे जो हैं JSSC जो लंबे से तैयारी कर रहे हैं, वो जो है लैंग्वेज पेपर को खोटा या नागपुरी रख के अच्छे नंबर्स लाते हैं, तो आप भी ला सकते हैं। जो अभी न्यू तैयारी करने के लिए आएंगे ITI इंस्ट्रक्टर प्रशिक्षक के लिए, तो आप खोटा नागपुरी लेके और जो है 300 में 200 प्लस नंबर अगर उठा लेते हैं, तो आप मेरिट के दौड़ में बने रहिएगा। और उसको जो है खोटा लैंग्वेज पढ़ने के लिए कौन सा बुक चाहिए, वो आप मेरे चैनल पे जाके खोटा वाले बुक में आप आराम से देख सकते हैं, क्योंकि उसमें सारा जितना भी एग्ज़ाम्स JSSC लेगी उसका सिलेबस उसमें दिया हुआ है, तो आप वहाँ से आराम से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर सिलेबस में आपको अभी भी समझने में कोई दिक्कत हो रहा है, अगर मेरा बात आपको समझ में नहीं आया, तो आप अच्छा से कमेंट कीजिएगा कि क्या आपको चाहिए, कौन सा ट्रेड का चाहिए, वो मैं आपको अच्छे से बता दूंगा। बाकी चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।